الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं जामिया फ़ातमा तुज़हरा में तलीम कुरान हिफ़्ज़ करने पर मामूर किया गया हूँ और ये हमारा शौक़ है। और हिफ़्ज़ कुरान मजीद करने से पहले मैं एक स्कूल में पढ़ता था, उधर सब्जेक्ट था इस्लामियात का और अरबी का भी, पर वो प्रॉपर तरीके से एक टीचर उस पर मामूर नहीं किया गया था, तो इसलिए मैंने जामिया के इंतखाब किया। जो दीनी मदारस हैं इनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर वो कुरान की तालीम दी जाती है, बच्चों को कुरान पाक वो हिफ्ज़ कराया जाता है, और इसी तरह जो बड़े इदारे होते हैं उनके अंदर वो पूरा एक आलम दीन कोर्स वो करवाया जाता है जिसके अंदर मुकम्मल कुरान पाक की तफसीर है, अहादीस पढ़ाई जाती हैं, असमा और रिजाल है, ये सारा कुछ वो पढ़ाया जाता है, फ़िक की तालीम दी जाती है। तो इसी तरह जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटियाँ हैं, मैं ये चाहता हूँ कि उन्हीं के अंदर भी वो प्रॉपर एक कुरान की तालीम दी जाए, यानी कम से कम वो ज़्यादा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि कुरान की जो तालीम है वो दी जाए। होता ये जनरली कि अर्ली ईयर्स में ही पेरेंट्स बच्चों को यहाँ से विड्रॉ करा लेते हैं फॉर दिस पर्पस, तो व्हेन दे कम बैक आफ्टर टू ईयर्स इफ देर सपोज टू बी एडमिटेड इन ग्रेड 4 और 5, तो जूनियर क्लासेस में इट्स ईजियर टू कोप अप विद सिलेबस सिंस इट्स ईजियर, बट अगर कोई बड़ी क्लास में जैसे कुछ पेरेंट्स लेट लेके जाते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं। येस ऑफकोर्स बच्चे जो मदरसे के अलावा जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं बच्चे, मेरे ख्याल से मेरा ज़ाती ओपिनियन ये यकीन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, करंट अगर हम सिनेरियो की बात करें, जिस तरह एक दुनिया में ट्रेंडिंग एआई या इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, अगर इनकी इंडिकेशन को हम देखते हुए बच्चों की कंपैरिजन करें, तो जो मदरसों के अलावा है, जहां हम डेवलप कंट्रीज़ की बात करें या ऐसी सोसाइटीज़ की बात करें जहां पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू मदरसे, वहाँ पर वो बच्चे आगे हैं मेरे ख्याल के मुताबिक। अच्छा, ऐसा है कि हमारे मदरसों में जो निसाब पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ कुरान व हदीस है, ठीक है, जो उनकी डेली लाइफ रूटीन में मेरा नहीं ख्याल कि वो उस इलम के ज़रिए से सरवाइव कर पाए, तो उनका अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो माशरा है या हमारी सोसाइटी है वो लिंक करता है यूरोप अमेरिका के साथ या कि इंग्लिश मीडियम के साथ। अगर उन्हें इंग्लिश या कि इस तरह के अपडेट कैरिकुलम ना पढ़ाया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आगे जाके सरवाइव करे। एक होती है नॉलेज और एक होती है टेक्निकल एजुकेशन, जो तुम्हारे पास टेक्निक्स है। तो नॉलेज तो आप अखबार पढ़ के भी नॉलेज हासिल कर सकते हैं, आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ के भी हासिल कर सकते हैं। आप अगर हाफिज़ बन रहे हैं तो वो दीनी तालीम है, उसमें टेक्निक्स कुछ नहीं है, वो आप रटा लगाते हैं और आपको सवाब मिलता है जो हाफिज़ साहब करते हैं। तो अगर हम टेक्निक्स के लिहाज से बात करें तो जाहिर सी बात है उनको टेक्निक्स पढ़ानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जाके आगे पेट भी पालना पड़ता है, तो इसलिए टेररिज्म भी इस तरह ही बढ़ा हुआ है, क्योंकि उनके पास कुछ करने के लिए है ही नहीं और ऊपर से दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ बिठाया गया है। तो जब उनके ऊपर कोई रहनुमा मिल जाता है जो उनका माइंड सेट बना देता है तो वो आसानी से उस तरफ चले जाते हैं कि उनके पास टेक्निक्स नहीं है। आवर कंट्री पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट वी आर लिविंग इन अ नॉन डेमोक्रेटिक मिलिटेंट जोन कंट्री। वी आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट नॉर द लिविंग स्टाइल प्रोवाइडेड टू अस बाय आवर पास्ट गवर्नमेंट्स। Each and everyone has been polluting our country
with roads and dams and flyovers and laptops. यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिफ्ज़ की क्लास पढ़ाता हूँ. क्लास का तारुफ थोड़ा सा करवाता हूँ कि 7:30 बजे बच्चों की क्लास होती है. उस वक्त सबसे पहले असम्बली होती है जिसमें तिलावत कुरान पाक होता है, नात शरीफ होती है, उसके बाद कसीदा बुर्दा शरीफ के अशार पढ़े जाते हैं, फिर दुआ हो जाती है. उसके बाद प्रॉपर क्लास में हम आ जाते हैं. तो सबसे पहले नाजरे वाले बच्चे जो हैं, जो मदनी कायदा तजवीद व किरात के साथ वो मुझे सुनाते हैं, उनकी क्लास होती है. उसके बाद नाजरे वाले बच्चे जिन्होंने कुरान पाक अभी नाजरा पढ़ रहे हैं, कुछ पारे पहले नाजरा पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद हिफ्ज़ स्टार्ट करवाया जाता है. तजवीद व किरात के साथ पहले वो नाजरा सुनाते हैं, उसके बाद बच्चों जो बड़े बच्चे हैं हिफ्ज़ वाले वो अपना सबक सुनाते हैं. I cannot say why other schools have not implemented Quran in their basic curriculum, but Message Grammar School has had Quran as a compulsory subject since the very inception. We start with Tajweed Qaida from nursery, and from there on students go on to learn how what the basic rules of Tajweed are, and they how Quran should be recited without any errors. And other than that, we also implement Quran in our other subjects like Quranic studies, in which students study different surahs and they learn their meanings and why and how different surahs were revealed to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We also offer Hifz as an optional subject after grade 2 and 3, and boys can go and recite it for in 3 years. And we give special consideration to them when they come back in the mainstream studies, because these are the students or the children who are going to take Islam forward in the years to come, inshallah. Humanity Alliance organization जो है वो education के ऊपर जो हमारा सबसे बड़ा project है वो है थर के अंदर. वहाँ पर हमारे पास जो school है उसमें 320+ बच्चे enrolled हैं. ह्यूमैनिटी लाइंस ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा से यही तरीकाकार है, और हमारी सोच हमेशा से यही रही है कि जहां अगर हम बच्चों को इस्लामिक एजुकेशन दे रहे हैं तो उसके साथ साथ हम दूसरी फॉर्मल एजुकेशन भी दें, ताकि जो बच्चे फॉर्मल एजुकेशन वाले हैं उनके साथ स्टैंड आउट कर सकें, या उनके साथ वो बच्चे जाके खड़े हो सकें. ज़्यादातर जो बड़े नाम है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन पर होता है, और इस्लाम के नाम को कैश करके वो फंडिंग इकट्ठी करते हैं, जो कि वो अपनी मराहत और अपनी ज़ाती अखराजात के ऊपर इस्तेमाल कर रहे थे, ना कि वो उन बच्चों के ऊपर स्पेंड हो रहे थे. सो बेसिकली ह्यूमैनिटी अलायंस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्कूल है थर के अंदर, वहाँ पे हमारे पास 320+ बच्चे एनरोल्ड हैं, और उसके अंदर हमारा करिकुलम, हमारा सिस्टम इस तरीके से सेट है कि हम फॉर्मल एजुकेशन को और इस्लामिक एजुकेशन को साथ लेके चल रहे हैं. सो जब स्कूल स्टार्ट होता है तो पहले के एक घंटा जो है हम उनको कुरानिक एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन देते हैं, और नेक्स्ट उसके बाद हमारे जो डिफरेंट दूसरे सब्जेक्ट्स हैं हम उसके ऊपर बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमारे पास इंग्लिश है, सिंधी है, उर्दू है, और जनरल साइंस और मैथ्स है. सो हमेशा से हम यही इसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हम बच्चों को इस लेवल पे इस तरीके की एजुकेशन दी जा सके, ताकि वो स्टैंड आउट कर सकें डिफरेंट अपने कम्युनिटी के अंदर. और हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर अभी हम लोग काम कर रहे हैं बेसिकली, वो हमारा ऑर्फनेज है हाफिज़ाबाद के अंदर. सो वहाँ पे भी हमारा फोकस इसी तरह से है कि वहाँ पे जो बच्चे हमारे पास इनरोल्ड हों या जिन बच्चों को हम पढ़ाएं, वहाँ पे हम दोनों एजुकेशन को साथ लेके चल सकें. सो वी ऑलवेज थिंक के जहाँ पे भी जो इस्लामिक एजुकेशन है उसके साथ साथ जो है दूसरी एजुकेशन भी वो लाजमी हो. One undeniable truth shines through: the resilience and spirit of its people.